आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फर्स्ट क्लास है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। आप देख रहे हैं सीखते रहो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बेसिक से लेकर एडवांस तक की क्लासेस जो स्टार्ट करवाने वाला हूँ ऑनलाइन। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, और इस वीडियो को देखने के बाद आप श्योर मैं आपको कह सकता हूँ कि आप सीख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पूरा का पूरा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर माउस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे क्लिक होते हैं, लेफ्ट क्लिक है, राइट क्लिक है, या आप, हम क्या करेंगे, पहले वन बाय वन क्लिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको इजी रहता होगा। कुछ बच्चों को माउस के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती, चलाना नहीं आता, तो हम लेफ्ट क्लिक के साथ, ये वाला जो क्लिक है इसके साथ सारा का सारा काम करने वाले हैं। लेफ्ट क्लिक ही प्रेस करना है जब भी करना होगा। मैं जब राइट की बात करेंगे मैं आपको खुद ही बता दिया करूँगा, लेकिन अभी तक के लेफ्ट क्लिक से ही हम काम करेंगे। तो सबसे पहला काम ये हो गया कि लेफ्ट क्लिक से हमने काम करना है। दूसरा काम, मैं आपको कीबोर्ड की थोड़ी इंट्रोडक्शन दूंगा। हम क्या कर लेते हैं, पहले हमें किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाना है। जैसे आप अभी कंप्यूटर में काम करने लगे हो तो आपको पता नहीं होगा, आपने क्या करना है दोस्तों, इस वाले बटन को प्रेस करके रखना है, उसके साथ आर बटन को प्रेस करना है। तो आर बटन को प्रेस करते ही आपके सामने ऐसी विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे आपने कीबोर्ड के साथ लिख देना है, यहाँ पे विन वर्ड लिखना है, और आपने इंटर बटन को प्रेस कर देना अपने कीबोर्ड से। तो आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके सामने खुल चुका है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दूंगा आपको, काम करने का तरीका बताऊंगा कि एक्चुअल में कैसे काम करता है ये कंप्यूटर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर आपको सबसे पहले कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है तो आपको अलाइनमेंट का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपको उसको प्रिंट भी करना पड़ेगा बाद में। तो व्यू पे जाएंगे और यहाँ पे रूरल बार पे अगर टिक लगी होगी तो आप देखेंगे ये रूरल बार हमारी आ रही है सबसे पहली बार। तो ये रूरल बार ऑन होनी चाहिए, और इस वाली रूरल बार को हम ऐसे बोलते हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रूरल बार, और इस वाली रूरल बार को हम बोलते हैं वर्टिकल रूरल बार। तो इस वाली टिक के साथ ये आ जाती है। अब बात करते हैं ये ज़रूरी क्यों है। ये इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, जैसे मान लीजिए मेरा ये, यहाँ पे देखिए एक माउस का कर्सर है, एक कीबोर्ड का कर्सर है। ये कीबोर्ड वाला जो ब्लिंक हो रहा है, ये कीबोर्ड वाला कर्सर है, इसके साथ क्या होगा, जो भी मैं लिखूँगा कीबोर्ड से तो वो इसके यहाँ पे लिखाई देगा, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, मतलब उसी लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं इस रूरल बार को यहाँ पे माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे और इस साइड कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये वाला जो लिखना यहाँ से स्टार्ट हो चुका है और ये इसका एंड पॉइंट होता है। अगर मैं इस एंड पॉइंट को यहाँ पे सेट कर दूंगा तो क्या होगा, मेरा लिखता हुआ जो भी मैं लिखूंगा कीबोर्ड से वो यहाँ तक ही जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक वो दूसरी लाइन में आता जाएगा। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसका आपको ध्यान में रखना है इस बार को, क्योंकि अगर यहाँ पे मार्जिन छोड़ना है आपको, ये मार्जिन होता है कि प्रिंट यहाँ पे साइड साइड पे स्पेस छोड़नी है, तो रूरल बार का बड़ा ही रोल है। अब बात करते हैं ये वाली रूरल बार क्यों है। ये वाली रूरल बार इसलिए है कि जैसे मान लीजिए आपने बॉटम टॉप कहाँ तक लिखना है, आप यहाँ पे देखिए अगर एक बॉटम की होती है, एक यहाँ पे टॉप वाली है, अगर मैं टॉप मार्जिन यहाँ पे रखूँगा तो टॉप यहाँ से लिखना ये स्टार्ट कर देगा। बॉटम की बात भी कर लेते हैं, तो बॉटम के लिए देखिए यहाँ पे दी गई है बार, इससे क्या होगा कि मैं यहाँ तक लिख सकता हूँ, उसके बाद मैं जैसे लिखना स्टार्ट करूँगा वो नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा, तो आप इसको भी आगे कर सकते हैं। तो ये आप समझ चुके हैं कैसे काम करना है और कैसे नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वाली बार को हम बोलते हैं टाइटल बार। अब इसको टाइटल बार क्यों बोलते हैं, इसका भी ध्यान में आपको यहाँ पे रखना है। मान लीजिए मैं कोई डॉक्यूमेंट बनाता हूँ तो उस डॉक्यूमेंट को मैंने क्या करना होता है, सेव करना होता है। डॉक्यूमेंट इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम फाइल को सेव कर सकें। तो उसको सेव करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, ऑफिस बटन पे क्लिक करूँगा और सेव पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है आपने फाइल का नाम दे देना है, जो भी देना है। जैसे मैं फाइल का नाम दे रहा हूँ अभी, शर्मा, शर्मा फाइल का नाम दिया और मैंने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया। सभी काम हम लेफ्ट क्लिक से कर रहे हैं, बिल्कुल ईजी कर दिया आपके लिए मैंने। अभी देखिए जब मैंने शर्मा फाइल का नाम दिया तो शर्मा फाइल जो नाम मैंने दिया है ये फाइल सेव हो गई है, कैसे पता चलेगा, आप देखिए यहाँ पे शर्मा आ चुका है, इसका मतलब मैंने फाइल सेव करी है। और यहाँ पे लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चला रहे हैं।
और ये जो टाइटल बार है ये सभी जगह ऐसे ही रहेगी, ये नहीं होने वाला कि यहाँ पे टाइटल बार आपका फाइल का नाम नहीं आएगा। जब आप पेंट चला रहे हैं, नोट पैड चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, तो आपको यहाँ पे जो फाइल का नाम होता है टॉप पे यहाँ पे दिखाई देता है। उसके बाद दूसरी बात करेंगे, अगर मान लीजिए अभी मैंने फाइल सेव कर दी और मैं यहाँ पे अगर क्लोज कर देता हूँ, ये फाइल ओबियसली सेव हो जाएगी, बट इसके आगे अगर मैं कुछ लिख देता हूँ, क्योंकि अभी मैंने सेव की और उसके बाद भी लिखा, और अगर मैं इस फाइल को अभी क्लोज करूँगा तो ये मेरे से पूछेगा कि आपने इस फाइल को सेव करना है कि नहीं करना है, और अगर मैंने नाम दिया होगा तो मैं यहाँ पे यस करूँगा, ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और हमारा ये वाला फाइल जो सेव हो जाएगी। और अगर मैं नो कर देता हूँ तो क्या होगा, जहाँ तक मैंने सेव की थी वहाँ तक सेव हो जाएगी और दा जो मैंने बाद में लिखा वो सेव नहीं होगा, बस इतना होने वाला है। मतलब कि आपको सबसे पहले फाइल ही सेव करनी है, फिर आपको काम करना स्टार्ट करना है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे कैसे काम होता है। देखिए कीबोर्ड पे ध्यान रखना है आपको, जैसे मान लीजिए ये मेरा कर्सर है, कीबोर्ड का कर्सर, इस पेज में क्या होता है लाइनें होती हैं, ये लाइनें दिखाई नहीं देती है। अगर मैं इंटर करूँगा कीबोर्ड से तो ये वाला जो कर्सर है वो नीचे आ जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। जैसे जैसे मैं इंटर करता जाऊँगा ये नीचे आता जाएगा, और ये बैक स्पेस होता है इससे क्या होगा कर्सर ऊपर जाता है। लेकिन अगर उस कर्सर को जैसे वो बैक जा रहा है पीछे जा रहा है, उस कर्सर के पीछे कुछ लिखा हुआ होगा तो वो उसको भी इरेज करता हुआ जाएगा। ये देखिए इरेज हो रहा है बैक स्पेस से, तो ये ध्यान रखना है। अगर कुछ नहीं हुआ तब तो वो बैक जा रहा है, लेकिन अगर कुछ हुआ उसको इरेज करते हुए जा रहा है। अब मान लीजिए आपको मैं क्या कहता हूँ कि द कंप्यूटर जो लिखा हुआ है इसको आपने थोड़ा सा इस जगह पे रखना है, इसको आगे रखना है, तो आप क्या करेंगे कर्सर को, कीबोर्ड कर्सर को पीछे लेके जाएंगे और यहाँ पे स्पेस छोड़ेंगे, ये स्पेस है तो देखिए स्पेस दे रहा है, और बैक करेंगे तो पीछे जाएगा, आपको पता ही है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ इस द कंप्यूटर इज एन जो लिखा हुआ है हमने इसको नीचे लेके आना है, तो आप क्या करेंगे कर्सर को आगे रखेंगे और जिसको भी नीचे लेके आना होगा इंटर कर देंगे, तो देखिए नीचे आ रहा है। आप यहाँ से क्या सीखते हैं, आपने ये सीखा कि अगर कर्सर के राइट साइड पे, ये देखिए कर्सर की लेफ्ट साइड ये वाली है ना और ये वाली राइट है, अगर राइट साइड में कर्सर के कुछ भी नहीं होता है इंटर करने से कर्सर नीचे आ जाएगा, अगर राइट साइड में जैसे अभी राइट साइड में क्या है इज एन है, तो क्या होगा इंटर करने से इज एन नीचे आ जाएगा, सिंपल सी बात है। और बैक स्पेस करेंगे तो वापस चला जाएगा, इतना आप समझ चुके हैं। अब दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मुझे कैप्स लॉक, अगर मैंने कैप्स लॉक ऑन किया होगा तो आपके कीबोर्ड पे एक लाइट ऑन दिखेगी, तो जो भी आप लिखेंगे वो सारा का सारा आपको कैपिटल लेटर में दिखाई देगा, या आप तभी ऑन करेंगे जब सारा कैपिटल लिखना होगा, अदरवाइज इसको आप ऑफ रखेंगे, और अगर आप ऑफ रखते हैं तो आपके जो जितने भी लेटर हैं वो सारे संभाल चलेंगे। लेकिन अगर बात करें कि अगर हमने कोई काम करना है, हमने कैप्स लॉक को बंद रखा है और हमें कोई भी डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, जैसे दाई लिख रहे हैं तो टी बड़ा लिखना है, तो फिर हम टी ऐसे लिखेंगे तो छोटा आएगा, बट हम शिफ्ट के साथ टी बटन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा वो टी बड़ा आएगा, अगर कैप्स लॉक बंद है तो। यहाँ पे देखिए शिफ्ट के साथ कोई भी बटन हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, इतना आपको पता चल गया होगा। अब अगर हमने कैप्स लॉक ऑन किया हुआ है, मान लीजिए हमने कैप्स लॉक ऑन किया हुआ है तो कैपिटल चल रहे हैं, और अगर कोई आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो क्या होगा स्मॉल चलेंगे, बस इस बात का ध्यान रखना है कैप्स लॉक को तब ऑन करना है जब आपने कैपिटल लेटर का यूज़ करना है, कैपिटल लेटर लिखने हैं, और ऐसे आपने कैप्स लॉक को बंद रखना है, इतना आप ध्यान रखिए। और फर्स्ट लेटर जो कैपिटल टाइप करने के लिए आपने शिफ्ट बटन का यूज़ करना है। ये आपको मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी, अब हम काम करेंगे। काम करने के लिए हमें यहाँ पे टाइटल बार का पता चल गया है, रूरल बार का पता चल गया है, कीबोर्ड की इन्फॉर्मेशन हो गई है कि इंटर करने से कर्सर नीचे आता है और बैक स्पेस करने से ऊपर जाता है, और स्पेस छोड़ने से कर्सर स्पेस छोड़ता हुआ आगे जाता है, और कैप्स लॉक से हमारा कैपिटल होता है, इतना आपको पता चल गया फर्स्ट क्लास में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जानेंगे टैब के बारे में। होम टैब के अंदर क्या होता है दोस्तों, बड़े सारे ऑप्शन है। देखिए अगर होम पे क्लिक किया तो इसके अंदर बड़े सारे ऑप्शन है, इंसर्ट के अंदर बड़े सारे ऑप्शन है, हर एक टैब पे अलग अलग ऑप्शन है। हो सकता है आप काम कर रहे हो और आपने ध्यान नहीं दिया, और आप बोल रहे हैं कि मुझे यहाँ पे फंक्शन नहीं मिल रहे हैं सर,
तो उसका रीज़न क्या होगा, आपने ध्यान रखना है कि आपने किस वाले टैब पे क्लिक किया हुआ है। अगर होम टैब पे क्लिक किया होगा तो होम वाले फंक्शन आपको दिखाई देंगे, सिंपल सी बात है। अब मान लीजिए मैंने फाइल को किसी और फाइल को ओपन करना है, जैसे मैंने कोई फाइल सेव की थी, कल सेव की थी, उसको ओपन करना है, तो हम क्या करेंगे, ऑफिस बटन पे जाएंगे। अगर आप 2010 से ऊपर ये वर्जन चला 2010 चला रहे हैं तो आपको यहाँ पे फाइल दिखाई देगा, यहाँ पे 2007 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑफिस बटन इसको बोलते हैं। हम ओपन पे क्लिक करेंगे और जो भी हमने फाइल सेव की होगी यहाँ पे फाइल का नाम लिखेंगे, जब फाइल पे क्लिक करेंगे और लेफ्ट क्लिक ही कर रहे हैं और इस फाइल को हम ओपन कर लेंगे। उसके बाद दूसरी बात आपको ध्यान में क्या रखनी है दोस्तों, कि यहाँ पे आपका जूम भी बड़ा मैटर करता है कि आपका जूम कितना है। मान लीजिए मुझे कोई न्यू फाइल बनानी है, न्यू काम करना है, कोई भी आपने डॉक्यूमेंट न्यू तैयार करना है, तो आप यहाँ ऑफिस बटन पे जाके न्यू करेंगे तो न्यू आ जाएगा, ब्लैंक आएगा, क्रिएट पे क्लिक करें तो आपका न्यू आ जाएगा। लेकिन जहाँ ध्यान रखना है, कुछ बच्चे यहाँ ध्यान नहीं रखते हैं और पेज का साइज़ यहाँ पे जूम लेवल कम होता है और वो यहाँ पे देखते रहते हैं कि क्या हो गया, लेकिन यहाँ पे ध्यान हमेशा रखना है कि 100% जितना होगा वही मान लीजिए आपका प्रिंट होगा, मतलब 100% पे जितना साइज प्रिंट निकलेगा वो आपका यहाँ पे 100 पे निकले वाला है। ये नहीं होने वाला कि मैं जूम करके किसी चीज़ को बड़ा करूँगा तो प्रिंट 100% पे ही निकलेगा, मतलब 100% प्रिंट हमारा निकलता है। अब हम क्या करेंगे, काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ था कंप्यूटर, मैंने लिखा। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अगर मान लीजिए मैंने द कंप्यूटर लिखा, इस बार पे आप ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हुआ, वर्ड्स टू लिख दिया है कि यहाँ पे हमने दो वर्ड लिखे हैं। जैसे मैंने द कंप्यूटर इज़ लिखूंगा तो तीन वर्ड हो गए हमारे, यहाँ पे लिख रहा है, ये काउंट कर रहा है। यहाँ पे आ रहा है वन ऑफ वन, वन ऑफ वन का क्या मतलब है कि हमने अभी तक एक ही पेज लिया हुआ है। जैसे आपकी नोटबुक पे पेज होते हैं वैसे यहाँ पे कंप्यूटर की फाइल के अंदर भी पेज होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी शॉर्टकट की यूज़ करनी होगी, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल बटन के साथ इंटर बटन को प्रेस करना है, तो क्या होता है आपका ब्लैंक पेज आ जाता है। यहाँ पे आ रहा है टू ऑफ टू, टू ऑफ टू का क्या मतलब है कि दो पेज टोटल है और दूसरे पेज पे ही आपका कीबोर्ड का कर्सर है। मान लीजिए यहाँ पे मैं फर्स्ट पेज पे कर्सर रखता हूँ, कीबोर्ड का इंटर करता हूँ, यहाँ पे देखिए फर्स्ट पे है, तो क्या आ गया वन ऑफ टू। टू का मतलब है टोटल पेज कितने हैं, कंट्रोल के साथ एंटर किया, अभी टोटल पेज कितने हैं, थ्री हो गए। क्यों, क्योंकि टोटल पेज तो थ्री हैं लेकिन जो यहाँ पे मेरा कर्सर होगा वो फर्स्ट में आ जाता है। तो आपको इस वाली बार की जो इन्फॉर्मेशन है पता चल गई, ये हमारे यहाँ पे जूम लेवल इन आउट आप यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे 100% नहीं हो रहा तो आपने व्यू टैब पे जाना है और यहाँ पे 100% पे क्लिक कर देना है। आई होप दोस्तों आपको फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन इतनी काफ़ी है, समझ आ चुका होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे होम टैब से काम स्टार्ट करना, कर देंगे स्टार्ट कर देंगे, और बिल्कुल डीपली हम सीखने वाले हैं और बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ में लगे बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट क्लास का जो लेक्चर अपलोड करता हूँ आपके मोबाइल में उसकी जो नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।